बाकी सब बढ़िया। बताओ, अब कोई आपकी क्लास? डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो चलो, मैं तो थोड़ा इस क्लास को प्रोफेशनली डील करना चाहता था, बट आई विल कीप दिस कस्टमाइज्ड, ठीक है? तो क्लास की तरह नहीं रखेंगे, क्योंकि तुम लोग भी सीनियर हो, अब तो कॉलेज भी पढ़ रहे हो। सोनाली भी नरोपा फेलोशिप ज्वाइन, मतलब कंप्लीट हो गया ना तुम्हारा सोनाली? हेलो, नहीं, अभी फेलोशिप चल रहा है सर। तो हाँ, आगे ही जा रही अभी होगी, और अगस्त भी सब लोग हैं यहाँ पे, तो विल तक कीप इट वेरी कस्टमाइज्ड। थोड़ी बहुत चीजें हम डिस्कस करेंगे पहले, कि हम जब भी किसी प्रोग्राम के लिए या किसी कोर्स के लिए एसओपी लिखते हैं, सो वी कंसीडर। मेरी आवाज जा रही है ना तुम लोगों को? हेलो, यस यस सर, सर, यस सर, यू आर ठीक है? ऑडिबल। हाँ, यस सर, ठीक है। यस सर। तो जब जब भी हम किसी, जैसे अभी लास्ट टाइम हम किसी का एसओपी पढ़ रहे थे, तो इट वाज मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो एक, जैसे एक मैनेजमेंट में भी एक कंसेप्ट है स्वॉट एनालिसिस करके, जो हम बोलते हैं, ऑल्दो वी विल नॉट यूज इट इन राइटिंग दिस एसओपी, बट उसमें जब स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात होती है ना, तो वो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के रिस्पेक्ट में बात होती है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी कोई स्ट्रेंथ है वो इट इज ऑलवेज एन स्ट्रेंथ। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए वो वीकनेस का काम करे, ठीक है ना? तो समटाइम्स यू बीइंग एन इंट्रोवर्ट पर्सन, वो स्ट्रेंथ हो सकता है आपका, और किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए वो वीकनेस भी हो सकती है। सो इफ इफ इन एसओपी विदाउट थिंकिंग कि किस अपॉर्चुनिटी के लिए आप बात कर रहे हो, अगर आप अपने बारे में हर अच्छी क्वालिटी लिख दोगे, दैट माइट नॉट वर्क देयर, है ना? और ऐसा भी है कि जो आपके प्रोफेसर्स हैं या जो आपके जो भी, मतलब जो एसओपी को चेक कर रहा है, जो इस एसओपी के थ्रू आपको इवेलुएट करने की कोशिश कर रहा है ना, अगर वो भी, ऐसा भी नहीं है कि ही इज जजिंग ऑन दोज एडजेक्टिव दैट यू हैव रिटन देयर ऑन योर एसओपी। तो वो बेसिकली मैच क्रिएट करना चाहता है कि पर्सन और प्रोफाइल मैच है कि नहीं, ठीक है? जो भी प्रोफाइल दे आर गोइंग टू ये प्रोवाइड यू, और वाइस वर्सा में भी, कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यू शुड बी ओवर क्वालिफाइड फॉर द प्रोफाइल, है ना? और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यू माइट फील लाइक कि हम वहां जाकर मतलब यू आर फीलिंग लो देयर बाई डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब। तो हमेशा जब एसओपी लिखना होता है, तो आपको ये समझना पड़ता है कि एग्जैक्टली फॉर व्हाट पर्पस यू विल बी देयर, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट एक दिन दो दिन का कोर्स, है ना? इसमें तो फिर भी आप थोड़े चांस ले सकते हो। ये 2 साल का पूरा पूरा फेलोशिप है, ऑफ कोर्स दे आर पेइंग यू, है ना, इन गुड अमाउंट, है ना, नॉर्मल जॉब से ऊपर आपको अच्छी सैलरी देकर वो रखेंगे, है ना? इन एंड यू विल आल्सो हैव नॉलेज इन, मतलब नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर विथ IIMB, गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम आपके साथ होगा। सो ऑल दोज फैसिलिटीज विल बी देयर, बट स्टिल इट माइट नॉट लीड यू टू फॉर मेनी अदर थिंग्स दैट यू कैन अचीव इन योर लाइफ, है ना? तो यहाँ पे जाने का मतलब यू मस्ट हैव अ पर्टिकुलर और अ डिफिनिट फ्यूचर एस्पिरेशन इन योर माइंड, कि किस तरह से आप अपने फ्यूचर को आगे देखते हो, ठीक है? तो उस हिसाब से मैंने सबसे पहले ये सोचा कि वाई शुडंट आई इंट्रोड्यूस कि वट इज MGNF। ऑल्दो ये वेबसाइट पे रिटन लाइन है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वॉट वी डू इज वी फॉरगेट वॉट एग्जैक्टली इज देयर, है ना, क्या लिखा हुआ है। उसको आप समझने से पहले ही आप ऊपर ऊपर ओपिनियन बना लेते हो कि दिस वुड हैव बी द केस, बट ऐसा है नहीं, है ना? तो हियर यू विल बी फाइंडिंग कि द 2 ईयर फेलोशिप सीक्स टू कंबाइन क्लासरूम सेशंस, एकेडमिक मॉड्यूल, होस्ट IIMs with an intensive field immersion at district level, district immersion, to create credible plans and identify barrier in raising employment, economic output, and promote livelihood in rural areas. So these three words you need to remember here, and it's about raising employment, it's about building or increasing economic output, and it's also about also to promote livelihood in rural areas. तो अगर आप ये तीनों पर्सपेक्टिव से पर ध्यान दोगे, तीनों ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दोगे, तो यू विल फाइंड कि दीज थ्री आर थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, बट स्टिल इंटीग्रेटेड। सो आप, ऐसा नहीं है कि आप इस तीनों पे बात करो। हो सकता है आप अपने एसओपी पे यू माइट टॉक अबाउट रेजिंग एम्प्लॉयमेंट, यू माइट टॉक अबाउट इकोनॉमिक आउटपुट
increment, and you can also talk about promoting livelihood in rural areas. So आपको एम्फसाइज करना पड़ेगा कि इन व्हाट आर द एरियाज यू आर गुड एट एंड वेयर यू कैन वर्क फॉर मतलब विथ योर स्किल्स दैट यू राइट नाउ हैव. बीच में तुम लोग बोलते रहोगे, ठीक है, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि मैं बोलूंगा तभी तुम्हें समझ में आएगा. तो अब तक किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर. So let's go ahead. So यहाँ पे मतलब what you will be getting there, what are the things that you can expect in the fellowship. So of course you will get opportunity to promote skill development in district economies. And the 2-year blended program combines classroom session at host IIMs with mentorship of fellows while in district. ये जो है ये कई बार तुम्हें अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि बिकॉज यू विल बी सीइंग इट एज कि आई एम बैंगलोर या डिफरेंट आईएम्स के टीचर आपको पढ़ाएंगे एंड यू विल बी गेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम आईएम्स आल्सो ऑफ पॉलिसी प्लानिंग. बट ये जो है इट्स नॉट द चार्मिंग पार्ट हियर, है ना. तो बेसिकली द फर्स्ट एंड द लास्ट एंड व्हाटएवर वी हैव सीन हियर एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फेलोशिप, ठीक है. तो बेसिकली जब आप ऐसा एसओपी पे लिखोगे कि हमें वहाँ ऐसा सीखने को मिलेगा या पॉलिसी समझने को मिलेगी, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, है ना. आप ऐसे इंटेंशन से जा रहे हो कि हम वहाँ पढ़ेंगे तो वो गलत है. आपको ऐसे इंटेंशन से जाना है कि आप वहाँ पे काम करोगे, यू विल बी परफॉर्मिंग देयर, यू विल बी यूजिंग योर कैपेबिलिटीज टू क्रिएट सम चेंज देयर, ठीक है. तो स्टडी इज नॉट योर पर्पस, वर्क इज, ठीक है. And it provides an opportunity to engage with schemes and institution at district level to strengthen institution and improve skill development, link markets and create goals. चलो ये तो वेबसाइट पे लिखा हुआ है, but let's get into the detail कि होगा क्या. Livelihood creation की बात अगर हम करें कि कैसे आप livelihood creation करोगे और किस aspect में हम बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि जैसे every district has some inherited resources, ठीक है. रिसोर्स आपका कई तरह का हो सकता है, जैसे उसमें फ्लोरा फौना लेकर हो या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर कई दूसरे तरह का मैन पावर की एबंडेंस हो, ठीक है, रिवर हो या फिर आपको कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखोगे कि वेटलैंड्स भी होते हैं. तो ये कई सारी ऐसी रिसोर्सेज हैं विच आर नॉट मतलब एक्सप्लॉयट तो नहीं बोलेंगे, बट इसको हम बेनिफिट में या इसको यूज में हम ला सकते हैं टू क्रिएट employment or create livelihood there for local people. तो ये जो livelihood creation है इसके local challenges पे हमें ध्यान देना है, ठीक है, कि मतलब उस particular area में region में जो resources available हैं उसको use करने में local लोगों को क्या problem आ रही है, ठीक है, and how they are not able to create some entrepreneurial venture out of those resources, ठीक है. So उसके local challenges को ध्यान में रखना है और local entrepreneurial ये को develop करके, projects को develop करके उसको national market से तुम्हें connect करना है. And you can also think of linking these economies, मतलब local और national के बाद आप इसको international market में भी connect कर सकते हो. So this is the scope of your fellowship program. तो ऐसा नहीं है कि अगर हम district की बात कर रहे हैं तो you have to limit yourself in district also only, है ना. You can think beyond your district, beyond the nation also. And जब आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हो तो एवरी स्टेट हैज इट्स ओन स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, है ना. और इनफैक्ट लाइवलीहुड डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, तुमने देखा होगा राजीविका या बिहार जीविका, ऐसे हर स्टेट्स की अपनी लाइवलीहुड वो स्कीम्स हैं. एंड दे ऑल्सो हैव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन देयर. तो उससे आपको पार्टनर करके काम करना होगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप हर बार किसी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो आप स्क्रैच से सारे रिसर्च करोगे. So you will be taking data, you will be taking the groundwork that has already been done by this state livelihood missions or skill development programs. Aur uske upar you can create your own agenda, ki what tweak you can create there, what change or innovation you can bring there to get maximum benefit out of it. Aur usme aapko har district ki skill committee bhi hogi, jiske through jiske se partner karke, aapko partnership karke ye sare kaam ko execute karna hai. So I'm talking about what are the roles there that will be performing, aur uske hisab se I'll suggest how to write your SOP. So
स्किल डेवलपमेंट में जैसे जनरली आप देखोगे कि लोग स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बोलते हैं सिलाई सिखा दो, कढ़ाई सिखा दो, या फिर वीविंग है, या फिर आईटीआई का काम हो गया, या फिर प्लम्बिंग हो गया, इस तरह के कई सारे स्किल्स की हम बात करते हैं कि ऐसे स्किल्स को में अगर ट्रेन कर दिया जाए तो पीपल कैन क्रिएट लाइवलीहुड फॉर देमसेल्फ। बट ऐसा नहीं है, है ना। आपको ये देखना पड़ेगा कि स्किल्स और अपॉर्चुनिटी को मैप करनी पड़ेगी, है ना। तो और दूसरी बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि स्किल्स जो है वो सेलेबल टू द प्रोडक्शन हाउसेज हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, है ना। सेल्फ यूज वाले भी स्किल्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विथ विच दे कैन हैव एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर विद द रिसोर्सेज दे हैव अराउंड देमसेल्फ। तो स्किल मैपिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, है ना। स्किल पे आप स्किल मैपिंग के थ्रू आप जैसे कहने को तो हम आईटी स्किल्स भी दे सकते हैं, है ना, बट नॉट एवरीबॉडी कैन गेट जॉब इन आईटी। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखना पड़ेगा कि वहाँ के लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या स्किल्स की जरूरत है, एंड दैट कैन बी नॉट मतलब एक एक जो हम जिसको बोलते हैं कि फैक्ट्री ओरिएंटेड हो, ये जरूरी नहीं है, है ना। वो लीडरशिप ओरिएंटेड भी हो सकता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप इनसाइट भी हो सकती है ना। तो पीपल कैन हैव एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड कैन जनरेट देयर लाइवलीहुड बाय देमसेल्फ आल्सो। तो ये भी आपको देखना है, एंड यू आल्सो हैव टू सी कि जो आप प्रोडक्ट या जो जो भी आप सर्विस क्रिएट कराना चाहते हो थ्रू देम या थ्रू पीपल, सो हाउ यू आर क्रिएटिंग डिमांड फॉर दैट आल्सो। सो डिमांड और मार्केट आइडेंटिफाई करना, ये आपके लिए भी वहाँ पे एक क्रिटिकल और क्रूशियल जॉब होगा। और मेरे हिसाब से मतलब जहाँ तक मेरे समझ में आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू इज वी डू सम फिलैंथ्रोपी वर्क फॉर देम। कि जैसे कोई पेंटिंग बना रहा है तो हम उसके पेंटिंग को बोल देते हैं कि ये लाइवलीहुड के लिए पेंटिंग है, तो थोड़ा सरप्लस लेते हैं। बट ये जो मॉडल है कि सरप्लस चार्ज करना जस्ट बिकॉज दैट पेंटिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय पुअर वुमेन, ये एक अच्छा मॉडल नहीं है। बेटर ये है कि आप पूरे मैनेजमेंट इनसाइट से जाओ एंड ट्राई टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस विच पीपल कैन जनरली बाय इट बाय देयर ओन डिमांड, है ना। तो वो आइडेंटिफाइंग द डिमांड विच कैन बी फुलफिल बाय द रिसोर्सेज और स्किल्स फ्रॉम दोज पीपल हु आर ऑलरेडी मतलब दोज आर नॉट इन मेनस्ट्रीम इकोनॉमी। तो अगर हम उनसे कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करा सके जिसकी डिमांड हो जाए या जिसके मार्केट को आप आइडेंटिफाई करते हो, तो वो ज्यादा बेटर है बिकॉज द सिस्टम दैट इट मतलब यू विल क्रिएट हियर विल बी सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड, है ना। वो किसी के फिलैंथ्रोपी या स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट के भरोसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। सो नाउ व्हाट विल बी राइटिंग देयर इन योर एसओपी, क्योंकि आप समझ गए कि इतना सारा आपको काम करना है। तो इट्स मोस्टली अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपने देखा होगा जैसे नन ऑफ द पेज और नन ऑफ द ऑब्जेक्टिव हैज रिटन कि सोशल डेवलपमेंट करना है या फिर सोशली लोगों को एम्पावर करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स मोस्टली डीलिंग विद द इकोनॉमिक सिचुएशन या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी वेयर यू विल बी वर्किंग, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में तुम जाओगे। तो आपको वो सारे कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करनी है अपनी विच कैन हेल्प इन दोज एक्टिविटीज। तो मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उस एक्सपेक्टेशंस को मैच करते हुए स्किल्स क्या है। तो यू कैन थिंक ऑफ कि आप में नेटवर्किंग स्किल है, ठीक है, दिस इज अ वेरी ग्रेट स्किल इन मतलब सोशियो इकोनॉमिक उस जो भी हमने काम बताया एंटरप्रेन्योरियल वेंचर क्रिएट करने में या फिर डिमांड और सप्लाई और मार्केट को क्रिएट करने में, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है तो उसको आप पोर्ट्रे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लाइवलीहुड और उसके चैलेंजेस को समझते हो, है ना, आपने कभी कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई रिसर्च किया है, कोई फील्ड वर्क किया है वेयर यू हैव वर्क फॉर द लाइवलीहुड चैलेंजेस समझने की कोशिश की हो, तो उसको आप पोर्ट्रे कर सकते हो, है ना। आप ये भी वहाँ पे पोर्ट्रे कर सकते हो कि आप डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन क्रिएट सम बॉन्ड विद पीपल जो आप उसके बीच में उनके भलाई के लिए आप काम कर सकते हो, बिकॉज जनरली दीज पीपल आर वेरी लेस अवेयर्ड। तो उस हिसाब से उनको उनके उनको कुछ भी समझाना एक टिपिकल जॉब होता है ना, एंड दैट्स वाई मतलब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन या मार्केटिंग प्लान इम्प्लीमेंटेशन इन रूरल एरिया इज वेरी टफ। तो ये अगर आप कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने में
में अगर आप मतलब कैपेबल हो तो यू कैन पोर्ट्रे यू शुड पोर्ट्रे दैट इन्फॉर्मेशन इन योर रेसिपी. एंड इफ यू आर ऑल्सो गुड इन क्रिएटिंग अ वैल्यू चेन, जैसे बिजनेस स्किल्स है आपके पास, यू नो कि हाउ अ प्रोडक्ट इज बीइंग क्रिएटेड और कैसे वो सेल होता है, एंड हाउ द इंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन बीन डन, मार्केटिंग से लेकर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर से लेकर फंड ट्रांसफर तक, तो ये भी आप वहाँ पे एसओपी में लिख सकते हो. तो मतलब जैसे बहुत अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात की जाए तो इफ आई कैन सजेस्ट, जैसे सीनू, तो सीनू यू कैन से कि आपकी नेटवर्किंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब यू कैन एंड कीप पीपल टुगेदर, आप ग्रुप में रख सकते हो, यू कैन फाइंड रिसोर्सफुल पर्सन एंड कनेक्ट विथ अदर रिसोर्सफुल पर्सन. तो ये जो चीज़ें हैं, इसको वर्ड्स चाहिए तुमको इसको लिखने के लिए, बट यू कैन पोर्ट्रे दिस, तो वो वहाँ पे एक दिखेगा कि हाँ यू अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली इज नीडेड देयर. मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं तुम लोगों? हेलो, यस सर. सो एवरीबॉडी कैन मतलब थिंक ऑफ कि व्हाट आर दोज स्किल्स व्हिच यू कैन सेल हियर, है ना, और उसको आप मैच करा सकते हो अपने कोई पास्ट एक्सपीरियंस से या कोई काम से या कोई प्रोजेक्ट से या कोई रिसर्च से, तो उसको मैच कराते हुए आप वहां पे लिख सकते हो. मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कैसे बताया जाए, लेट्स से यू हैव रिटन अ मतलब क्या बोलते हैं पेपर ऑन माइक्रो फाइनेंस, तो अब उसको ऐसे ऐसे उसको पोर्ट्रे करो कि आप लोगों की लाइवलीहुड के जो वो है उसको भी आप समझते हो. जैसे माइक्रो फाइनेंस में आप ऐसे लोगों पे काम किया होगा जो डेली 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ अर्न करते हैं, तो डेली बेसिस वाले लेबर को, तो इन सब लोगों के जो लाइफ की जो वो है एस्पेक्ट्स हैं इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट और गेटिंग डेली वर्क और वॉट एवर स्किल दे कैन एस्पायर फॉर, है ना, तो नेक्स्ट स्किल क्या सोच सकते हो अपने लाइफ में, तो ये सब चीज़ों को अगर आप समझते हो तो कहीं ना कहीं से आपको एसओपी में ये सारी चीज़ें लिखनी होगी, है ना. सो रदर देन सेइंग आई एम गुड एट, आपको थोड़ा प्रूफ देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से आया आपके पास, ठीक है. और इसी तरह से जैसे एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है तो इसका भी कोई प्रूफ नहीं होता है, बट स्टिल यू कैन फाइंड सम इवेंट और एक्टिविटीज और रिसर्च और प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन एनी टाइम इन योर लाइफ, तो आप उसको प्रोजेक्ट करके उसको बता के आप बता सकते हो कि दीज आर द स्किल्स. तो ये देखना है कि जो भी कैपेबिलिटीज मैंने यहाँ लिखा है वो लाइवलीहुड क्रिएशन के लिए या स्किल डेवलपमेंट के लिए वो जरूरी है, वो मतलब वैसी समझ जरूरी है, तो इसी तरह से तुमको मैच कराना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद अगर हम देखें कि अगेन मतलब आपको आपको वहां पे ये मैंने पहले ही पिच किया तुम लोगों के सामने कि यू हैव टू फाइंड योर सुटेबिलिटी एज अ फेलो एज अ वर्कर देयर और अ पर्सन मतलब प्रोफेशनल देयर, not as a student. आपको वहाँ student बन के नहीं जा रहे हो, आप वहाँ पे सीखने समझने के लिए नहीं जा रहे हो, आप वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हो. तो ऐसे portray करो, ऐसे अपने आप को दिखाओ, क्योंकि तुमने eligibility criteria में भी देखा होगा कि they will prefer person with 2 or 3 years of work मतलब work experience in the similar field. तो मतलब they are looking for hardcore personalities who can literally work and go and confidently work with in those environment. तो आपको उसी तरह का अपना पोर्ट्रे करना पड़ेगा अपने आप को इन योर एसओपी कि यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन एंड यू आर लुकिंग फॉर एंड यू हैव कन्विक्शन टू डू दैट इन योर लाइफ फॉर नेक्स्ट 2 years, है ना. क्योंकि आप बेसिकली अगर ध्यान दिया जाए तो ठीक है, आपको दिखता है कि पैसा ठीक ठाक मिल रहा है, बट ऐसा भी नहीं है कि ये आपको आपकी कैरियर बना रहा है. तो स्पेंडिंग 2 years ऑन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, है ना, तो ये आपको एक कन्विक्शन होना चाहिए कि नहीं ये मैं करना चाहता हूँ, ठीक है. तो ये बेसिकली इट्स मोर अबाउट परफॉर्मिंग ऑन द फील्ड है, लेस अबाउट लर्निंग इन आईएम्स है. तो उस पे बार बार आईएम्स के एडवांटेज को बता के आप ल्योर करने की कोशिश नहीं करोगे, है ना. मैंने कई बार कई लोगों का एसओपी और इंटरव्यू लिया है, तो वो क्या करते हैं, जो फेलोशिप की अच्छी बातें वो बताना चाहते हैं कि द गुड थिंग इज दैट दिस प्रोग्राम इज बींग मेंटर्ड बाय आईएम, ये बोल के आप फेलोशिप की तारीफ कर रहे हो, यू आर नॉट पिचिंग योर सेल्फ एज एन गुड कैंडिडेट. तो अगर आप इंटरव्यू में या फिर एसओपी में इस बात को इम्फेसाइज कर रहे हो कि आईएम्स के थ्रू मेंटर्ड है तो बहुत अच्छा होगा, तो इसमें आपने एसओपी का कोई कंटेंट नहीं लिखा, तो जस्ट रोट व्हाट एवरीबॉडी नोस, है ना. तो इसलिए रेदर देन पिचिंग देयर एडवांटेजेस यू पिच योर कैपेबिलिटी टू मैच देयर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है. और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की अगर कुछ हो
आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं या फिर टीम वर्किंग का हो या फिर थोड़ा ऐसे सेटअप में है ना जो उसमें मतलब लो इनकम ग्रुप के सेटअप में अगर आपने कोई काम किया है, तो अगर आप वैसे कुछ किए हो तो उसको बताओगे तो दैट विल हेल्प. ठीक है. एंड यू ऑल्सो हैव टू फाइंड कनेक्शन विथ योर फ्यूचर गोल्स. जैसे मान लो कि अगर अगर आप जैसे इसी तरह का कोई फ्यूचर गोल अगर लेके चलते हो कि पॉलिसी प्रोफेशनल बनना चाहते हो, एकेडमिशियन बनना चाहते हो, प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो आगे चल कर लाइवलीहुड के एरिया में है ना, या फिर नेशनल डेवलपमेंट मिशन के काम पे काम मतलब करना चाहते हो या लाइवलीहुड प्रोफेशनल बनना चाहते हो या इस तरह के कोई भी करियर गोल्स हों आपके, डेवलपमेंट प्रोफेशनल हो है ना, पॉलिसी प्रोफेशनल हो या फिर इवन यू वॉन्ट टू बी एंटरप्रेन्योर है ना इन योर लाइफ आगे चल के, या फिर आप सोशल वर्क में आप काम करना चाहते हो, तो आपको उससे कनेक्ट करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में व्हाट. इवन यू कैन आल्सो टॉक अबाउट बीइंग पॉलिटिशियन आल्सो. ऐसा नहीं है कि आप उसको अवॉइड कर सकते हो. तो बीइंग इन पॉलिटिक्स है ना, बीइंग इन एक्टिव पॉलिटिक्स कैन आल्सो बी वन ऑफ योर गोल. तो आप ऐसा कुछ फ्यूचर एम्बिशन या फ्यूचर पाथ आपका है ना जो टेंटेटिव ही है, तो आप उसके साथ उसको कनेक्ट कर सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रोग्राम विल गिव या strengthen your future plans. ठीक है. तो ये तो हुआ मेरी तरफ से एक सजेशन वाली बात. और उसके बाद अगर अगर आप देखोगे कि जनरली जो कंफ्यूजन होता है एसओपी लिखने में, वो होता है कि लोग बोलते हैं स्टार्ट कैसे करें या फिर एंड कैसे करें है ना, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आप लिखते हो और उसको मतलब लोग सजेस्ट करते हैं है ना कि स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखो. तो राइटिंग एनी स्ट्रेंथ विच इज नॉट विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड और उसका एग्जाम्पल नहीं दे सकते, तो ऐसे स्ट्रेंथ लिखने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है. ऑफकोर्स मतलब यू कैन पिच सम ऑफ योर कैपेबिलिटीज, बट राइटिंग की दैट यू आर कॉन्फिडेंट. और जैसे एक मैं बताता हूँ, जैसे अगर आपको रिपोर्ट बनाने आता है ना, तो दिस कैन बी ए स्ट्रेंथ विच इज यूजफुल हियर. ठीक है. लेकिन अगर आप सिर्फ ये बोलते हो कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन है ना, वर्बल कम्युनिकेशन, तो वो आपका फिर ऐसा नहीं है कि उसको मतलब पिच करने की जरूरत है एसओपी में. ठीक है. तो इस तरह के स्ट्रेंथ आप पिच करो जो कि इस फेलोशिप में आपको हेल्प करेगा. ठीक है. तो ये हुआ हमारी तरफ से. अब तुम लोग अपने अपने कन्फ्यूजन बताओ सो दैट आई कैन टॉक अबाउट दैट. सुरभि तुम्हारा क्या था अभी? मैंने तो दोबारा लिखा था क्योंकि मेरा काफी डाइवर्ट हो गया था एक्चुअल उससे. तो मैंने वीडियो वगैरह देखी थी, उनका जो सैंपल एसओपी है वो पढ़ा, और एक बच्चों का डायरेक्टर्स मैसेज था वो वीडियो भी देखा, और एक किसी ने अपना शेयर करा हुआ था उसका एक्सपीरियंस, तो वो सब सुन के मैंने फिर अब दोबारा लिख के आपको भेजा था. अच्छा. तो बेस्ट ये कर दूं मैं तुम्हारे एसओपी को यहाँ पढ़ लूं.